ये तो जय भोले की। तो अभी जा रहे हैं हम दुधेश्वर नाथ मंदिर। तो सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास के पहले सोमवार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो अभी राजन भाई और हम निकल रहे हैं अभी मंदिर पे, दुधेश्वर नाथ मंदिर जो कि घंटाघर में है। तो अभी वहीं चलते हैं और वहीं मिलते हैं आपको, ठीक है? तो बने रहो। तो गाइस निकल चुके हैं हम अभी मंदिर के लिए। ये हमारे राजन भाई, जय भोले भाई ने अपना पूजा का सामान इसी में डोलची में और पीछे रख रखा। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं सीधा वहीं मंदिर पहुंच के। आज का ब्लॉग शंकर जी के नाम, तो पूरा सपोर्ट बनाए रखना और एंड तक ब्लॉग को जरूर देखना, ठीक है? मिलते हैं वहीं। तो गाइस गाड़ी खड़ी करके अब हम पैदल निकल चुके हैं मंदिर की ओर। हमारे भाई ने ये सामान वगैरह रखा, हमने ये सामने ही है मंदिर। तो निकल चुके हैं, गाड़ी पीछे खड़ी कर दी क्योंकि गाड़ी अलाउ नहीं थी अंदर आने। तो गाइस यहाँ से अभी बेलपत्ता धतूरा वगैरह सब ले रहे हैं प्रसाद, जो चढ़ाएंगे अभी। इसी में जाना अभी हमें अंदर। एक मेरा एक भाई का है, दो लिए हैं अभी। लग रहा महाशिवरात्रि से भी ज्यादा भीड़ लगी। हम यहाँ से अभी लाइन स्टार्ट है, एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। ये पुरुषों की लाइन है। तो हमने अपना प्रसाद वगैरह जल सब ले लिया है। आज भीड़ बहुत कम है, या तो हम लेट आए हैं। आगे चल के देखते हैं कितनी भीड़ है। तो चल दिए हम मंदिर की ओर। जय भोले की, जय भोले। तो गाइज ये है मंदिर का एंट्री गेट, जहाँ से अभी हमारी एंट्री होने वाली है। सबसे आगे खड़े हैं अभी हम, तो अभी थोड़ी देर में हम इसी गेट से एंट्री लेंगे। ये न्यूज़ चैनल वाले भैया भी आ चुके हैं यहाँ इंडिया टुडे, जो कि यहाँ लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर। अभी हमारा ही नंबर आएगा, हम तो जाके अभी दर्शन करेंगे। तो गाइज ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है और सभी भक्त जो हैं वो जल लेकर अंदर जा रहे हैं मंदिर के। तो हम भी चल रहे हैं धीरे धीरे अंदर और सभी जल चढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और अंदर चल रही है धीरे धीरे लाइन। ये हमने पैर छू लिए मंदिर में, पैर छू के अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे अभी काफ़ी भीड़ है, तो ये हट जाए फिर उसके बाद हम भी जल चढ़ाते हैं फिर। ये हमारी आंटी जी ने जल चढ़ा दिया, अब हम भी चलो जल चढ़ा देते हैं। ये हमने जल चढ़ा दिया, ये हमारे राजन भाई, इन्होंने भी नंदी जी को जल चढ़ा दिया। तो अब गाइस हमने नंदी जी को तो जल चढ़ा दिया, अब चल रहे हैं भोलेनाथ जी की ओर। वो सामने जो आपको गेट दिख रहा होगा उसी के अंदर है भोलेनाथ जी की प्रतिमा, जिस पर अभी सभी भक्त मिल के जल चढ़ाएंगे। Hey, hey, Mahadev!
हर हर महादेव, 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 बोलो वीर बजरंगी, हर हर महादेव, बोल बम बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम। तो गाइस हमारे दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए, जल भी हमने अच्छी तरीके से चढ़ा दिया और अब हम निकल लें घर के लिए वापस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हाँ एक और बात, बाबा जी का ब्लॉग था, लाइक शेयर करना हो तो करना, लेकिन जो भी ब्लॉग को देखे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे, ठीक है? तो जितना ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स फुल कर दो हर हर महादेव के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, लव यू।